गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुंदेली ब्लॉगर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल बुंदेली ब्लॉगर में। और आज मैं आपको लेकर के आने जाने वाला हूँ एक बहुत ही डरावनी जगह पे। मेरे एक फ्रेंड है जो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा है कि उसके घर के पास कोई घर है, वहाँ पर बहुत से मतलब भूत और आत्माओं का मतलब वहाँ पर वास हो चुका है। और पता नहीं जो भी है वहाँ के गाँव वालों ने क्या वहाँ पर खौफ बैठा के रखा है, कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम चलने वाले हैं उस गाँव में और देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो पूरी वीडियो देख दीजिए भैया और लास्ट तक देखिएगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो जल्दी सीधी चलते हैं हम लोग रोड पर और पहुंचते हैं उनके गांव में। आ चुके हैं अपने भाई के पास और मेरा भाई बाहर इंतजार कर रहा है। तो सबसे पहले भैया कैसे हो? बढ़िया भाई। यही अपना भाई और इसका नाम है भाई स्वामी दीन। मेरा भाई स्वामी दीन और भाई मेरे बहुत टाइम से एक मैसेज कर रहा है, बोल रहा है पता नहीं बहुत सी वाला ड्राउन ड्राउन आ जाती है। कुछ बात करते हैं इनसे, क्या बात है क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, अब करते हैं कुछ इनसे बात। और भाई कैसे हो? बढ़िया है भाई। अच्छा यार, सबसे पहले तो हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना नाम बता दो पूरा। स्वामी दीन राठौर। स्वामी दीन राठौर। अच्छा भैया क्या है, क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है वहाँ पे ये है कि बहुत सालों से खंडर वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, खंडर ही उसको बोलते हैं। अब वहाँ पे कुछ भी कोई आता जाता नहीं है। अच्छा। और वहाँ पे पूरा ही वो मतलब भूतिया खाना हो गया है। एक भूतिया खाना मतलब कहने का मतलब यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं, बात करने क्या क्या मतलब ऐसे कैसे पता चला तुम्हें भूत वगैरह रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे आवाज आती है डरावनी डरावनी। कैसी आवाज आती है, कैसी मतलब किस टाइप की आवाज आती है? आवाज आती है जोर से आवाज आती है, कोई दिखाई अगर कोई निकले वहाँ से दिखाई भी देता है वहाँ पे तो। अच्छा मतलब जैसे घुंघरू वगैरह की आवाज है या हवाओं का झोंका है ऐसा कुछ? हाँ। तो भैया ने जो बताया है अब चल रहे हैं उस जगह पर। भैया कितना दूर है यहाँ से? बस पास में ही है, मेरे घर के पास में ही थोड़ी आगे चल के। तो चलते हैं उस जगह पर, देखते हैं ऐसी कौन सी जगह है, कौन से भूत हैं, हमें भी पता चले भाई भूत होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो आज मैं अपने साथ लेके आया कुछ टूल्स भी साथ में और आपको दिखाऊंगा वहाँ पे भूत हैं कि नहीं। तो वीडियो पूरी देखे बिल्कुल भी स्किप ना करें।
वही चल पड़े हम लोग उस भूतिया जगह को देखने के लिए। कैसी जगह है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं और रास्ता आपको एग्जैक्टली क्लियर देखने वाली है। अभी तक तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी रास्ता दिख रही है, जाने के बाद ही पता चलेगा कौन सा खंडर है। चलो चलो चलो, कितना दूर रह गया भैया? बस यही है, पास में ही आ चुके हैं। और सन्नाटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई आता नहीं है क्या? कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। यही है, यही है। तो यही है वो खंडर। तो आगे नहीं जाओगे, डर लग रहा है? हाँ डर लग रहा है भाई, चलो आगे। चलो भैया तो हम चलते हैं आगे। आगे भाई अब देखना है क्या है, खंडर भी है और क्या है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बस देखने के लिए वीडियो में बने रहें। नहीं नहीं वाकई में खंडर तो बहुत ज़्यादा पुराना है। अब यहाँ पे है क्या, जो भी होगा आपको वीडियो मिलेगा, बस स्किप ना करें, बने रहें हमारे वीडियो में। और हमारा ये रहा है पैरामीटर, अभी वहाँ पे कोई गया है और देखते हैं। अभी तक तो कुछ भी नज़र, वन सेकेंड कुछ है यहाँ पर और देखते हैं अभी क्या है। कुछ तो है अराउंड यहाँ पर, ये फ्लैश लाइट ऑन करो, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। कोई फ्लैश ऑन करो और अब देखने वाले अंदर है क्या। यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, और यहाँ पे ताला लगा हुआ है और अंधेरा काफ़ी है। अब अभी तो दिख रहा है कुछ भी नहीं, चले जा रहे हैं सीधे। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा नेगेटिव सेंस नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ज़रूर मिली है। यहाँ कुछ तो है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी तक मुझे मिला है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, पानी की बोतल, 0 वाट का बल्ब, और यहाँ पे कुछ बोरिया और भूत वगैरह पड़ा हुआ है। और अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है, कुछ भी नहीं दिख रहा है जो बता सके कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है। और भाई लोग अपने साथ में, अंदर भी कुछ है, एक मैं पहले चेक कर लेगा, ऐसा ना हो अंदर भूत बैठा हुआ हो। तो भाई अंदर जा रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा छोटा सा गेट भाई, अंदर जाने की तो यहाँ जगह ही नहीं है कि मैं अंदर जा पाऊँ। और देख पा रहे हो अभी तक तो कोई भी यहाँ पे भी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो इसको मैं बाहर से ही शूट करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई पेड़ लगा हुआ है, और डरावना तो काफ़ी है, और लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे और देख पा रहे हो कोई भी नेगेटिव ऐसी चीज़ नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। पीछे साइड कुछ आ रहा है, उस साइड कुछ पे आ रहा है, वहाँ चल के देखते हैं। तो चलते हैं वापस। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पर, जो दूसरा रूम है वहाँ जा कर के देखेंगे वहाँ क्या है। ये आ गया हमारा रूम नंबर 2। यहाँ पर भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं अंदर। और आप देख पा रहे होंगे ऊपर के साइड मटके वगैरह रखे हुए हैं, और नीचे यहाँ पड़ी हुई हैं कुछ दारू की बोतल्स। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है अभी तक तो। तब देखते भैया दूसरे नंबर पर जान के क्या है वहाँ पर। हमारा पैरामीटर एक्टिवेट, और अभी तक यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही है। हम जाने वाले हैं छत की ओर। उफ, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, भूत भूत नहीं है, हम गिर पड़े थे। अब हम चल रहे हैं भाई छत के ऊपर, और यहाँ देखने वाले क्या है। तो और ये सारे के सारे डर रहे हैं, कोई भी ऊपर नहीं आ रहा, सब आने के लिए मना कर रहे हैं। आया भैया? अरे अरे कोई डराना नहीं, कोई नहीं डर रहा है, सब आ रहे हैं। और भाई साहब अभी तक तो मुझे यहाँ पर भी कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं मिली। और भैया थोड़ा ये लैंटर कच्चा है, तो आराम आराम से आना। यहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है सिवाय खंडर के, जो कि जगह
पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। अब चलते हैं नीचे, एक हमारा लास्ट रूम जो बचा हुआ है। तो आ चुका है हमारा सेकेंड लास्ट रूम और बता रहे हैं यहाँ पे मंजर खतरनाक हो सकता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं, हमने पैरामीटर चेक करें तो पैरामीटर में भी नेगेटिव है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब भाई आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लेंटर बहुत ही ज़्यादा कच्चा दिख रहा है यहाँ पर। अब जाएंगे आगे, यहाँ पे ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं और अब आगे क्या है। आगे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा खंडर पड़ा हुआ है और ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आई है। अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया कि यहाँ भूल सकें भूत या आत्मा वगैरह है। चलो भैया यहाँ तो अभी कुछ नहीं मिला, अब चलते हैं आगे आखिरी रूम में अपने। और हमारे भाई कहना है यही वो जगह है और यही वो रूम है जहाँ पे उन आत्माओं की आवाज़ें आती हैं। तो हम यहाँ पर चल के देखने वाले हैं लेसन। और सीरियसली यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अब देख रहे हैं कि आखिर क्या है यहाँ पर। और हमारा पैरामीटर हमारे हाथ में है, अभी तक तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ दिखाई नहीं गई है। अब चलते हैं आगे की ओर। और भाई कुछ तो है, एक सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, कुछ है। ये क्या हुआ, जूम जूम ब्लर क्यों हो रहा है, कुछ है। अब देखने वाले यहाँ पर क्या है ऐसा। अभी तक तो मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एक सेकंड वन सेकंड कुछ था। अभी तक तो वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। मेरे मोबाइल के सिग्नल यहाँ पर लॉस्ट हो रहे हैं और देख पा रहे हैं कि बहुत ही डरावनी जगह लग रही है। मैंने अपना क्राइटेरिया पूरा मोबाइल के ऑन करके रखा हुआ है, जैसे कोई नेगेटिव चीज़ अगर सामने आती है तो हम लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही अभी तक। मेरा मोबाइल सिग्नल लॉस्ट कर रहा है और यहाँ पे कोई है, यहाँ पे दो डॉग्स यहाँ पे अपनी पनाह लिए हुए हैं, सो रहे हैं। और मेरे मोबाइल में तो भाई देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। और हम लोग आ चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे हो चुका है पर्दाफाश। यहाँ पे ऐसा कोई भूत प्रूत आत्मा सात्मा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बना लिया है कुछ लोगों ने अपना अड्डा। और अड्डा किस बात के लिए बनाया है, क्यों बनाया है, उसका भी सबूत हम आपको देंगे। और अड्डा बनाया है केवल इस चीज़ का, यहाँ पे आके वो कर सकें ये काम, इसके लिए बनाया गया है यहाँ पे अड्डा। और मुझे ये लग गया, तो भैया इसके लिए यहाँ पे भूत और आत्माओं का निवास दिखाया गया है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, नेगेटिव चीज़ यहाँ पे नहीं है कोई भी, ये एक प्रूफ हो चुका है। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे ऐसा कोई भी भूत और कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, पूरी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखाई हैं। और भूत प्रेत जैसी यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं मिली है। तो सबसे पहले अपने बुलाएंगे उस भाई को जिसको जो भी यहाँ पे दहशत में था। तो भाई और लग रहा है डर, नहीं लग रहा है तो मैं फैमिली को बता दो भाई, कोई यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। भाई भूत मिला, नहीं मिला। कौन मिला अंदर, दो कुत्ते मिले, दो कुत्ते मिले। और यहाँ पे और कुछ मिला अंदर, यहाँ मिली है हमें दो 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 नहीं, काफी दारू की बोतलें और भी बहुत सी ऐसी चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंडी में चकना, और क्या था, बियर की बोतलें, पानी की बोतलें। तो ये होते हैं यहाँ पे काम, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है एक मतलब खौफनाक चीज भूत प्रेत का जो भी है। इस चीज़ों को बताया गया था, लोग दहशत में रहे हो, फालतू के लोग यहाँ पे मतलब जो अच्छे क्लास से, अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के हैं और अच्छे लोग हैं
वो यहाँ पर ना आए, यहाँ पे दहशत का माहौल बना रहे। इस वजह से यहाँ पे दिखाया गया था यहाँ पे भूत है, बताते कोई भी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी भाई मेरा इस वीडियो पे मेरे चैनल पे नया हो वो सब्सक्राइब करके जरूर करें। तो किसी और ब्लॉग में किसी और जगह से फिर से आपसे मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय।